हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एसपी शुक्ला, आप सभी का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी पीजीटी के लिए एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान पे बहुत सारी कक्षाएं स्टार्ट हो चुकी हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आपकी हिंदी विषय की भी क्लास मैं लेकर के आपके बीच में दिन प्रतिदिन उपस्थिति अपनी दर्ज कराने के लिए और आपको 100% सफल बनाने के लिए, यह दौड़ हम ही तो जीतेंगे, यह लक्ष्य हम ही तो पाएंगे, जीवन भर गतिशील रहेंगे, सबको गतिशील बनाएंगे और 100% आपको आपके एग्जाम में सफलता दिलाएंगे, उसी दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ मैं आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं। आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने हिंदी के गद्य साहित्य पे नहीं, साहित्य के इतिहास पर चर्चा किया था, जिसमें हमने मुख्यतया गद्य की बात भी किया हुआ था। आज हम आपके बीच में अब उसी कड़ी में उस चीज को आगे बढ़ाते हुए आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। आदिकाल के बारे में जैसा कि आपको पता है, अलग अलग विद्वानों ने इस काल की अलग अलग संज्ञा दी। किसी ने प्रारंभिक काल के नाम से जाना, किसी ने इसको बीजोपन काल कहा, तो किसी ने इसको जो है संयुक्त चारण काल के नाम से जाने। अलग अलग विद्वानों में अलग अलग तरीके से इसको लेकर के था, किसी ने इसको प्रारंभिक काल किया। तो उसी घड़ी में मैं आपके बीच में आज ये दूसरी क्लास लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपने पहली क्लास देख लिया होगा, नहीं देखा है तो वह क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की एक क्लास जो चल रही है और बहुत जल्द ही हम आपके बीच में पूरे एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो आज भी हम आदिकाल से लेकर के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, 40 ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनसे हम आदिकाल का पूरा रूपरेखा देख लेंगे। ऐसे हमारे विद्वान साथी जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और वे हमारे साथी जो प्रवेश लेना चाहते हैं तो 94-15-800-659 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप एडमी टीजीटी पीजीटी हिंदी लिख करके आप जो है मुझे मैसेज करके आप अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं, प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और ऐसे भी हमारे विज्ञ साथी जो केवल और केवल सामान्य हिंदी यानी हिंदी व्याकरण के लिए क्लास लेना चाहते हैं, उनको भी जो है पूरा का पूरा स्वागत है, वो भी आप अपनी क्लास को ले सकते हैं। तो आप देर ना करिए, बाकी चाहे इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर संस्थान के नंबर, दूसरे वाला नंबर जो है 89-53-80-857 उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है, इसका केवल और केवल एक ही आशय है मेरे दोस्त। यदि आपके सीने में वो फौलाद जग जाए, वो सीने में आपके आग जग जाए कि मुझे सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं आएगी, तब तक आप सफलता की वो राह नहीं देख सकते हैं। तो चलिए, सेशन में हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से स्लाइड पर देखते हैं। आप जल्द से जल्द एनरोलमेंट कराइए, जैसे कि कुछ दिनों बाद जो है आपकी लाइव क्लासेस आपके बीच में हो सके। ओके फ्रेंड्स, आइए क्लास पर चलते हैं, पहले क्वेश्चन के चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है दोस्तों, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है, यानी इन चारों में एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल जो था, प्रारंभिक काल का जो है भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है। जैसे बीजोपन काल, ये बीजोपन काल क्या मिश्र बंधु ने कहा था? नहीं, बीजोपन काल की संज्ञा दिया था, आप नोट कर लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने दिया था? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो मिश्र बंधु ने क्या कहा था आपको बताना चाहूंगा, मिश्र बंधु ने जो है आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया था। कौन सा नाम दिया था?
प्रारंभिक काल की संज्ञा या प्रारंभिक काल का नाम दिया था, यानी ऑप्शन ए ही आपका अशुद्ध था। फिर आपसे देखिए सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यानंद ने दिया, बिल्कुल। संधि काल एवं चारण काल के नाम से संज्ञा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया, बिल्कुल। वीरगाथा काल का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का आपको आंसर मिल गया अशुद्ध है, तो यानी ऑप्शन ए ही हो गया आपका राइट आंसर। इनके अलावा कुछ विद्वानों ने क्या कहा आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपसे पूछा जाता है कि चारण काल तो आपको दे दिया है, कभी कभी जो है यहाँ पर एक चीज देखिए जुड़ा हुआ है, संधि काल एवं चारण काल। देखिए ये प्रश्न आपसे संधि काल एवं चारण काल कहा तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा आपने माना, लेकिन मान लीजिए कल को आपको ऑप्शन में केवल और केवल चारण काल लिखा होता, केवल और केवल चारण काल लिखा होता, तो केवल और केवल चारण काल में आपका नाम आता है डॉक्टर ग्रियर्सन का। डॉक्टर ग्रियर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रश्न आपके आदिकाल से यह प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है, तो नोट कर लीजिए। चारण काल किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल की संज्ञा दिया। बाकी हमने मिश्र बंधु के बारे में बता दिया कि उन्होंने प्रारंभिक काल कहा था, और प्रारंभिक काल की ही संज्ञा एक और लेखक हैं जिन्होंने कहा था, उनका भी नाम लिख लीजिए। प्रारंभिक काल की संज्ञा, प्रारंभिक काल और किसने किसने कहा, एक तो आपको मैंने बता दिया मिश्र बंधु ने भी कहा, मिश्र बंधु के अलावा भी जो है नाम आपने पढ़ा होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, वैसे पूरा नाम इनका है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी प्रारंभिक काल से ही संज्ञा दिया। किसको? आदिकाल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैंने बता दिया। एक प्रश्न और भी इसी में पूछा जाता है वीर काल, आदिकाल को ही वीर काल, यानी इस प्रारंभिक काल को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल को वीर काल या आदिकाल को वीर काल की संज्ञा किसने दिया, तो इसमें नाम आ जाता है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। और इसके अलावा जैसे आपको बच्चों बताना चाहूंगा वीजोपन काल की संज्ञा दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अब बच्चे आप कभी कभी कंफ्यूजन में हो जाते हो, आप आदिकाल, तो देखो यहां पर क्वेश्चन ये दे रहा है आदिकाल, तो आदिकाल की संज्ञा किसने दिया था यह भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यह कहा था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहां आप नोट करके लिख लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए सभी नोट्स आपको भले मिलेंगे, जिन बच्चों ने प्रवेश लिए सारे नोट्स आपको मिलेंगे, पूरा एकदम विधिवत मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश किया करिए पढ़ते वक्त क्वेश्चन को आप टीचर्स के साथ लिखते चला करिए, इससे याद होता चला जाएगा, आपको प्रश्न भूलेगा नहीं। तो आदिकाल की संज्ञा किसने दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण, देखिए मैंने कितना सारा प्रश्न निकाल दिया एक ही प्रश्न में, सुनिए। आपसे पूछे हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा, तो यही प्रथम साहित्य काल है, यानी प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रताप, ये आपको मैंने लास्ट में लिखा ना वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये क्वेश्चन एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा था कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगर आपसे कहे कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया, तो वीर गाथा काल की जब नाम आती है तो अभी ऊपर आपने ये पढ़ ही लिया, ये ऑप्शन डी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात आती है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने किया, तो आपने डायरेक्ट देखा रामचंद्र शुक्ल। तो बहुत सारे तरीके से इसी को घुमा के क्वेश्चन पूछता, जैसे कहे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग, कौन सा युग? सिद्ध सामंत युग, ये जो आपका दिख रहा ऑप्शन बी सिद्ध सामंत युग नाम किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया था राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं। बीजोपन काल किसके द्वारा दिया गया, आपको मैंने बता दिया आचार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है उस पे आइए। बीजोपन काल की नाम की संज्ञा दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल की संज्ञा दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बस इतना सा जानते रहो बस।
क्योंकि साहित्य में यही एक चीज अनोखी होती है कि बच्चे आपको कंफ्यूजन बहुत होता है। हम मानते हैं बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं, उसके बाद भी चीजों को हम बहुत आसानी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन जहां आपको क्रिएट हो जाता है वहां से चीजें थोड़ी सी क्या होती हैं, टफ हो जाती हैं। इसीलिए आप किसी प्रकार की समस्या में ना रहें। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक प्रश्न के साथ ही साथ कई सारे प्रश्न भी आपके डाउट जो होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। देखिए अभी तो मैं आपको ऐसे करा रहा हूं, बच्चों आपको घबराना नहीं है, हर एक पॉइंटों को आपसे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, हर एक चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो जो भी बच्चा प्रवेश लेना चाहता है देर ना करे, जल्दी से जल्दी जुड़े, क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। बाकी डेमो क्लास चल रही है, आप जितना मन में आए उतना डेमो कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है संबत दिया है, तो संबत 1050, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी, संबत 1050 से माना है। हिंदी साहित्य के 900 वर्ष के इतिहास को 4 भागों में बांटते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसका नामकरण किया। उसका कभी कभी विवरण आपसे पूछा जाता है, जैसा कि भी पिछले प्रश्न में आपने देखा है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को किस नाम की संज्ञा दिया था, तो आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया। कब से कब समय था, तो पहला काल भी माना जाता है, तो उनको पहले आइए यहाँ पर नोट कर लीजिए। आपका हो गया सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल की संज्ञा इन्होंने दिया, किसकी नाम दिया, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल, वीर गाथा काल। और इसकी जो समय सीमा थी वो थी आपकी संबत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक, संबत 1000। देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, साहित्य कैसे याद होता है वो आप समझिए। जैसे आपने देखा कि आदिकाल आया, आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी या वीरगाथा काल का नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो तुरंत आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि गुरुजी ये आदिकाल किसने कहा था। तो आदिकाल किसने कहा था, हमने आपको बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो देखिए दो प्रश्न तैयार हुए, अच्छा पहला काल उन्होंने बांटा आदिकाल, आदिकाल के बाद बांटा था पूर्व मध्य काल, नोट करते हुए चलिए पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय सीमा है वो है आपका संबत 1375 पे वहाँ ख़त्म हुआ, तो ये 1375 से आगे यानी संबत 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संबत तक ये माना जाता है पूर्व मध्यकाल। अच्छा पूर्व मध्यकाल के बाद तीसरी बात आती है उत्तर मध्यकाल की, पूर्व मध्यकाल के बाद उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है। और इसकी जो समय सीमा है, मैं इसको ऊपर मिटाना चाहूँगा, देखिए रीतिकाल की जो समय सीमा है ये 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक है, यानी संबत 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संबत तक है ये आपका रीतिकाल। इसके बाद चौथा है आधुनिक काल, आधुनिक आधुनिक काल, आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा गया, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दिया गया। और इसको इसका जो समय सीमा था ये आपका संबत 1900 से लेकर के 1984 विक्रमी तक जो है। एक चीज़ यहाँ से आपने देखा कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने नाम दिया, तो ये आप जानते रहिए रामचंद्र शुक्ल ने। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, आधुनिक काल को गद्यकाल का नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने, आदिकाल की समय सीमा संबत 1050 से 1375 विक्रमी तक, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तकाल की जो है भक्तिकाल की जो समय सीमा थी वो संबत 1375 से 1700 विक्रमी तक, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा दी गई संबत 1700 से 1900 विक्रमी संबत तक, आधुनिक काल को गद्य काल की जो है संज्ञा दी गई संबत 1900 से 1984 विक्रमी तक के नाम दिए गए। तो ये नाम डिवीजन किया गया था किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो इसमें से चारों में से कोई भी आपसे पूछा जाता है, पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से किया,
तो संबत 1050 से। यही क्वेश्चन पूछ लेता कि बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल वीर गाथा काल की समय सीमा कब से कब मानी है, तब आप बता देते 1050 संबत 1050 से 1375। पूछता पूर्व मध्यकाल तो 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900, आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रमी तक। तो आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यही एक स्टैंडर्ड तरीका है जिस स्टैंडर्ड तरीके से आप एग्जाम में बेस्ट करते हो। बाकी चीजों को पढ़ाने के लिए आपको सुनने में देखने में मजा तो आएगा, लेकिन वो चीजें ज्यादा देर टिकाऊ नहीं होती। ये अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको व्याकरण जैसे समझ में आता है, उसी तरीके से साहित्य भी बहुत आसान से समझ आती जाएगी। बाकी हमने आपको बताया कि हम एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, अच्छे से समझ में भी आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो तुरंत याद करो पहला प्रश्न हमने बताया डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या नाम दिया था ना। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल की संज्ञा दी थी। एक प्रश्न वहां से याद करो, यही है अच्छे स्टूडेंट की अच्छी तैयारी। आप एक अगला प्रश्न आए तो पीछे वाले प्रश्न के बारे में सोचो कि यार रामकुमार वर्मा के बारे में गुरुजी ने क्या बताया था। पहले ही प्रश्न में बताया कि चारण काल या संधि काल जो है ये किसके द्वारा दिया गया था आदिकाल का नाम, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। तो एक प्रश्न वहां से देखो, आपका ऐसे पक्का होता चला जाएगा, लोहा बनता जाएगा, लोहा फौलाद बनेगा। तो देखो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है सन 1938 ईस्वी, नोट कर लीजिए, सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक विशेष कालखंड, और ये विशेष कालखंड जो था वो था सन 693 से लेकर के 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों संधिकाल, चारणकाल, भक्तिकाल की अनुक्रमणिका, भक्तिकाल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो किया होगा वो 693 ईस्वी से मानते हैं। कब से मानते हैं डॉक्टर, मानने वाली बात है या प्रारंभ नहीं माना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, तो 693 ईस्वी, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बच्चे ये मत सोचना कि इन्होंने ये माना है तो ये उस समय जिंदा ही थे या उस समय थे। भैया एक एक हजार वर्ष की बात है, ये अलग अलग विद्वानों ने अपने विद्वता की प्रामाणिकता को देने के लिए अलग अलग मत दिया है। अब उनको कुछ ठोस जानकारी मिली होगी, उस जानकारी के आधार पर आगे के लिए, आगे पढ़ने के लिए ये क्या किए, अपना अपना मत दिए हैं। इस पर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो आप समझ में आया कि नहीं, यानी इस क्वेश्चन का फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 693 ईस्वी को माना है। आइए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। यदि आपको याद होगा मैं हिंदी पढ़ाते हुए आपको बताया हुआ हूँ कि सबसे पहले जो भाषा थी वो मनीषियों की भाषा, देव ऋषियों की भाषा मानी जाती है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। संस्कृत में जब आप देखते हैं इसको प्रस्फुटन करते हैं तो दो तरीके से ये रूप धारण करता है। एक को हम कह देते हैं लौकिक संस्कृति। कौन सी संस्कृत भैया? लौकिक संस्कृति। और दूसरे को कहते हैं वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति यानी वेदों की भाषा जो थी उसमें बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने जो है परिवर्तन नहीं कर पाए, तो ये भाषा जैसे थी वैसे कि वैसे पड़ी रही। क्योंकि आपको पता है जो विषय आपको आसान लगता है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, उस पर शोध करते हो, तो वैसे ही संस्कृत में लौकिक संस्कृत आसान लगी। लौकिक का ही रूप जब आगे बढ़ा तो यही आपका रूप धारण करता है पाली का। किसका? पाली का। पाली से जब आगे बढ़ा तो ये रूप धारण कर लेता है प्राकृत का। किसका करता है मित्र? प्राकृत। प्राकृत के बाद जब आगे बढ़ती है यही रूप, तो अपभ्रंश का रूप धारण करती है। और जब अपभ्रंश के आगे बढ़ती है तब यही जो हमारी भाषा हिंदी पढ़ रहे हैं आप,
तो यहीं पर हिंदी आ जाता है। तो ये भी कभी कभी क्रम पूछा जाता है कि किस आधार पर हिंदी का विकास हुआ है, विकास भी पूछा जाएगा। व्याकरण में ये चीजें हम सिखाएंगे, वहां पर आपको बताएंगे। जैसे लौकिक संस्कृत की बात करते हैं तो लौकिक संस्कृत में आप कौन कौन से ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गया आपका, महाभारत हो गया, ये सभी आपकी जो है लौकिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति में वेदों की रचना, उपनिषदों की रचना, इनकी रचना मानी जाती है। अब ये जो पाली भाषा थी ये बौद्ध साहित्य की भाषा थी। कौन से साहित्य की? बौद्ध की। प्राकृत जो थी ये जैनियों की, यानी जैन साहित्य की भाषा थी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, तो भैया पकड़ लो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या हो जाएगी? पाली हो जाएगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार प्रेम से बताओ समझ में आया कि नहीं। देखिए थोड़ा सा बताना चाहूंगा, प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। किसके? प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, उनमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहां जहां बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहां वहां पाली भाषा पहुंचती है और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। ये तो मैंने आपको मोटो एक तरीके से बताया, बाकी इसमें भी गोता लगाएंगे तो आपसे क्वेश्चन कहा जाता है पूर्व की प्राकृति किसे कहा जाता है, तो पाली के बहुत सारे रूप मिलते हैं, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां इस क्वेश्चन का तो जवाब आपको मिल गया होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पाली हो जाएगा। और यही बौद्ध धर्म ना जुड़ करके यहां जैन आ जाता तब क्या हो जाता? प्राकृत आ जाता। और यही अगर वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृति की बात कब करेगा, अगर पूछा जाता रामायण की रचना किसमें हुई है, उसके बाद महाभारत की रचना किसमें हुई है, तो ये सभी आपकी लौकिक संस्कृति में। वेदों की रचना के बारे में पूछता कौन सी भाषा है, तब वहां पर वैदिक संस्कृति हो जाती। आशा करता हूं कि यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा आपकी स्क्रीन पर है, निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? वह कौन सी रचना है जो अपभ्रंश प्रभावित है, यानी अपभ्रंश का उस पर रूप पड़ा है? तो दोस्तों बताना चाहूंगा, अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति थी। कौन सी? रास नामक पहली सरस कृति, भरतेश्वर बाहुबली रास। ये आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, भरतेश्वर बाहुबली रास। आपको बताना चाहूंगा ये सन भी लिख लीजिए, 1184 ईस्वी, 1184 ईस्वी है। मुनि जिन विजय, उनका नाम क्या था? मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शलिभद्र सूरी ने की थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, शलिभद्र, ये भी आप नोट कर लीजिए, शलिभद्र सूरी ने की थी। शलिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की। खुमार रासों के अगर देखा जाए तो 43 छंद प्राप्त होते हैं। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु अगर इस पर थोड़ी सी चर्चा करें तो एक जो स्थल निकल के आता है उन पर नाम आता है दलपत विजय का। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, दलपत विजय कौन सा शब्द है? दलपत विजय शब्द को देख करके आलोचकों ने अनुमान लगा लिया है कि दलपत विजय की खुमार रासो का कवि था। ये जो आप देख रहे हो ना, ये खुमार रासो, तो यही कहा जाता है कि खुमार रासो का कवि था। ढोला मारूरा, ये दोहा देख रहा है ना आपको, ढोला मारूरा दूहा, तो ढोला मारूरा दूहा के कवि कौन है? तो ये हैं आपके कल्लोल। कौन है भैया? कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, यह लोक काव्य दोहाबद्ध था और मौखिक परंपरा से सुना गया। तो आपसे पूछा जाए खुमार रासो, तो यहां आप चाहे तो लिख लेना दलपत विजय। बाकी हमने आपको बता ही दिया, इतने सारे तरीके से यह पॉइंट बनते हैं, यह प्रश्न बनता है, इन चीजों को आप निकालते हुए आगे चले चलेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, सूची 1 तथा सूची 2 को मिलाना है, एक तरफ इतिहासकार दूसरी तरफ नामकरण, कौन से इतिहासकार ने क्या नामकरण किया? वैसे ये स्पेशली देखा जाए नाम किसका नामकरण है, ये आदिकाल का नाम किसने क्या किया है, उसी पर चर्चा हो रही है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया, यानी आपका ए में सेकेंड आप देखिए कौन सा मिल रहा है, यानी डी में, और किसी में मिल ही नहीं रहा। इस आधार पर हम कह सकते थे कि इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, फिर भी हम चेक करते हैं।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की जो है नाम दिया था आदिकाल। कंफ्यूजन जो क्रिएट करता है बच्चों, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी में आपको कंफ्यूजन होता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल की संज्ञा दी थी, जबकि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी थी। उसके बाद बात आती है राहुल सांकृत्यानंद की, यानी आपका सेकंड बी में कौन सा हो गया, चार हो गया, ठीक है। राहुल सांकृत्यानंद के बारे में बात करते हैं, राहुल सांकृत्यानंद ने क्या रचना दिया था, यानी क्या नाम दिया था, तो ये आपको बिल्कुल दिख रहा है, सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी थी। और उसके बाद मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, यानी तीन और एक, यानी क्वेश्चन नंबर छठे का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां, बिल्कुल पांचवें प्रश्न पर ही आधारित है, पांचवें प्रश्न पर आधारित। क्या कह रहा है, पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। जैसा कि हमने आपको इसके पहले बताया था मित्र, जो आप अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है, जब क्वेश्चन पूछा था तो उसमें हमने बताया था कि अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी थी, भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी है। मुनि जिन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी रचना शलिभद्र सूरी भी है, शलिभद्र सूरी ने की थी, किसने किया था, शलिभद्र सूरी ने किया था। शलिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, शलिभद्र सूरी ही इसका भी सही जवाब होगा, यानी इस क्वेश्चन सातवें का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सात के बाद क्वेश्चन नंबर आठवें पर। क्वेश्चन नंबर आठवां, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य की बात आ रही है। तो यहाँ पर आपको देखिए दिख रहा है ढोला मारू रा दूहा, ढोला मारू रा दूहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है, और आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको बता देंगे। वैसे कहा जाता है दूहा घड़ाम पुराणाम अछोई, पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहे में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तारित किया गया है। तो ये जो है आपको बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आठ के बाद क्वेश्चन नंबर नौवें पर। क्वेश्चन नंबर नौ आपके स्क्रीन पर, अपभ्रंश शब्द का सबसे उल्लेख किसने किया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले, यहाँ पहले होना चाहिए था, थोड़ा सा बना लीजिएगा, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया, तो अपभ्रंश शब्द सबसे पहले उल्लेख जो है महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है। किसने किया है, महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है। जैसा कि आपको पता है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का मतलब होता है आठ अध्यायों वाला, आठ अध्याय वाला, यानी आठ अध्याय, इसमें कितने अध्याय हैं, एक बात यहां से निकल ली, आठ अध्याय, और प्रत्येक अध्याय में चार चार पाद हैं, कितने पाद हैं, चार चार पाद, यानी आठ गुणे चार करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, आठ चौको 32 पाद, यानी 32 पाद हुए, और 32 पादों को मिला करके 3978 सूत्र हैं, 3978 सूत्र, यानी लगभग कितने हो गए, 4000 सूत्र हो गए, लगभग 4000 सूत्र थे। अब इन्हीं सूत्रों पर एक विस्तृत भाष्य लिखने के कारण महाभाष्य रचना बनी, जिसके जो है रचनाकार महर्षि पतंजलि जी को माना जाता है। किसको माना जाता है, महर्षि पतंजलि जी को। उसी में उन्होंने क्या किया, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उपयोग भी किया था, प्रयोग भी किया था, और उन्होंने ही बताया कि संस्कृति या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझ जाइए, जैसे अभी आप मान लीजिए कोई साधु है, संस्कृति है जो हमारी मानवता चली आ रही है, उसी से जो शब्द निकल जाते हैं उन्हीं को अपभ्रंश की संज्ञा दी जाती है। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, महर्षि पतंजलि ने। कौन सी रचना इन्होंने बहुत फेमस की है जिसके कारण ये महाभाष्यकार कहलाए, तो ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दसवें पर। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, अब देखिए अवहट, वहां पर अपभ्रंश बताया, यहां पर अवहट, अवहट का मतलब होता है एक तरीके से अपभ्रष्ट, क्या होता है, अवहट का मतलब होता है अपभ्रष्ट। अब समझिए अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप ही है अवहट, इसे अपभ्रंश या अपभ्रंश या फिर इसी को कह सकते हैं परवर्ती
अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट्ट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड जो है 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी अर्थात ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी मानी जाती है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार में नाम अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बताते हैं, तो उसमें नाम आ जाता है अद्धमाण की बात आती है और इसी में अब्दुल रहमान की बात आती है। अब्दुल रहमान संदेश रसाय, संदेश रासक, दामोदर पंडित, ज्योतिरेश्वर ठाकुर, विद्यापति आदि का नाम आता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है यानी ग्रामीण अपभ्रंश से, क्यों? क्योंकि ये ग्रामीणों के बीच की एक कड़ी होती है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में का सही जवाब ऑप्शन ए हो गया। आइए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। देखिए अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट का नाम दिया गया, अभी अभी हमने बताया। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप दिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? शिक्षा लिखा जाता है, यानी ये आपको ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी। थोड़ा सा अगर मैं आपको चर्चा कर दूं कि क्योंकि बार बार अवहट्ट आ रहा है मेरे विद्वान साथियों, जैसा कि मैंने हिंदी भाषा में जब व्याकरण आपको पढ़ाया है, व्याकरण में खासतौर से भाषा जब पढ़ाया हूँ, वहाँ पर मैंने सिखाया हुआ है आपको कि सबसे पहले आपकी संस्कृत आती है, संस्कृत में लौकिक और वैदिक होता है, फिर जब आगे बढ़ती है तो पाली का रूप धारण करती है, पाली से प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश। देखिए अपभ्रंश यहीं पर आपका अपभ्रंश आ जाता है, देखिए यहीं पर सीखिएगा। अपभ्रंश के बाद आपने देखा पढ़ा कि अवहट्ट आ जाता है, क्या आता है? अवहट्ट। अवहट्ट के बाद इसी में आपने पढ़ा कि पुरानी हिंदी, कहीं कहीं पर लिखा जाता है पुरानी हिंदी। अब पुरानी हिंदी के बाद भी इसके बाद आगे बढ़ गए तो मानक हिंदी लिख दिया, क्या लिख दिया? मानक हिंदी या हिंदी लिख दो भैया। तो देखो ये जो कड़ी है ये तो विकास क्रम है। अब यहाँ पर ये जो अवहट्ट आ रहा है, कहा जाता है कि पाली प्राकृत के बाद जो भाषा का रूप था वो धीरे धीरे विकृत होता गया, भाषा का रूप धीरे धीरे बिगड़ता गया, इसीलिए उसको जो है बिगड़ा हुआ रूप कहा जाने लगा। कौन सा रूप? बिगड़ा हुआ रूप कहा जाने लगा। जैसे मान लीजिए आपका, सपोज दैट नाम ले लेते हैं, मान लीजिए आप अपना अपना नाम लिख के बताइए, कमेंट करके बताइए। जैसे सपोज दैट देखते हैं आपका नाम मान लीजिए सीमा है, क्या नाम है? सीमा। तो मैं क्या कहूँ? सीमा ना कह के क्या कहूँ? कीमा कह दूँ, क्या कहूँ? कीमा। आपका नाम मान लीजिए मंजू है, मैं मंजू ना कह करके आपको क्या कहूँ? संजू कहूँ, क्या कहूँ? संजू कहूँ। आपका नाम आभा है, आभा ना कह के मैं आपको भाभा कहूँ। तो देखिए अंतर क्या आ रहा, अंतर ये आ रहा है कि यहाँ पे सा के स्थान पर का का प्रयोग, माँ के स्थान पर सा का प्रयोग, और उसके बाद आ के स्थान पर भा का प्रयोग किया गया। तो ये रूप थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप, एक तरीके से आप अपभ्रंश का मतलब समझिए, बिगड़ा हुआ रूप बस। तो उसी अवहट्ट में कह रहा है कि शिक्षा के लिए कौन सा शब्द मिलता है, तो शिक्षा के लिए शिक्षा ये शब्द मिलता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। अब देखिए अधिकांश साहित्य इतिहासकार के अनुसार, यानी यहाँ पर बहुत सारे जो साहित्यकार हुए उनके अकॉर्डिंग हिंदी के प्रथम कवि की जब बात आती है तो सभी बच्चा जानता है कि शरहपाद की नाम आती है, यानी शरहपाद का यहाँ पर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, शरहपाद के चर्चा पर चर्चा करते हैं। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों बताना चाहूँगा, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम जो है वो क्या है? शरहपाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के शरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम जो था वो था राहुल भद्र, क्या नाम था? मूल नाम जो था उनका राहुल भद्र था। मूल नाम पूछा जाता है, कई बार पूछा है, राहुल भद्र था। और उनके सरहपा सरोजव्रत पद्य तथा पद्य बज नाम भी मिलते हैं, यानी सरहपा भी उन्हीं को कहा जाता है। देखिए लिख लीजिए क्या क्या नाम इनको कहा गया, सरहपा, इसी में आपका लिखा लिख लीजिए सरोज वज्र के अलावा इसी में आता है आपका पद्य,
तथा इसी में नाम आ जाता है पद्म वज्र नाम भी मिलते हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहाकोश नाम से किया। तो कई बार ये पूछा जाता है कि किस नाम से किया है, दोहापाद से किया। तो इस क्वेश्चन का तो जवाब आपको मिल गया। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि की बात आएगी तो सरहपाद की आएगी, लेकिन एक दो पॉइंट और आप नोट कर लीजिए। अगर मैं बात करूं आपका डॉक्टर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अगर बात करें तो शलिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आपसे अगर ये क्वेश्चन कहे कि हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार शलिभद्र गणपति चंद्र गुप्त, यानी अब आपसे ये पूछेगा गणपति चंद्र की तो बात ही करें, यानी हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शलिभद्र सूरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो गणपति चंद्र आ जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त। और एक पॉइंट इसी में नोट कर लीजिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है वर्मा के अनुसार स्वयंभू बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो वहां बात आएगी स्वयंभू की। या आपसे क्वेश्चन कहे कि हिंदी के किस इतिहासकार के अनुसार स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात आएगी। आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से तैयार हो गया होगा, इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शलिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, अभी अभी आपको हमने पीछे ही बता दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। अब देखिए यहाँ पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछा जा रहा है, तो बताना चाहूँगा बच्चों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है, इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ावा के कारण ही कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों के आगमन हो गए, फिर भी जो है जब दुनिया भर की चीजें आती गई तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, मन भटक गया। चलिए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शलिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं, जैसा कि हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार जो है हिंदी का प्रथम कवि जो है शलिभद्र सूरी जी को माना जाता है। और यहाँ पर दे रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जब आपसे पूछेगा कल को, तो आप जानते रहिए स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। तो इस 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। जैसा कि आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि लगभग 14वीं शताब्दी के काल में
जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं। भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश को ही बढ़ावा था और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के अंतर्गत रखा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का जो है यानी 14 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पुरानी हिंदी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है। तो देखिए, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है उसकी जब बात आती है तो इसमें बात आ जाती है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। बिल्कुल बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। इनकी प्रसिद्धि का कारण इनके द्वारा लिखित कहानी उसने कहा था। उस कहानी का क्या नाम है, उसने कहा था। मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे मैं कुछ कह रहा हूँ। उसने कहा था, यह इनकी क्या है, कहानी थी जिसके कारण ये काफ़ी पॉपुलर हुए। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है जो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। यह पूर्व दीप्त फ्लैशबैक पद्धति पर लिखित कहानी है। इसे औपन्यासिक कहानी ओम कहानी क्षेत्र में मील का पत्थर या मील पत्थर कहा जाता है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस इन्होंने किसको जो है पुरानी हिंदी का कवि माना है, तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसको भी लिख लीजिए, राजा मुंज को पुरानी हिंदी का क्या माना, प्रथम कवि माना। किसने माना, तो ये भी आपसे पूछे तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने माना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है अपभ्रंश का वाल्मीकि, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वयंभू को। स्वयंभू देव 8वीं शताब्दी निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव कृत इनका जो एक रचना है पौमचर्यु, पांच कांडों, कितने कांड है भैया इसमें, पांच कांडों यानी पांच कांड और 83 संधियों यानी 83 संधियों। संधियों का कहने का मतलब यहाँ संधि या व्याकरण वाला नहीं, संधि कहने का मतलब सर्ग, यानी सर्ग से लिया जा रहा है। सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है, यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि अपभ्रंश का आदि काव्य कौन सी रचना है, तो वो है पौमचर्यु। कौन है भैया, पौमचर्यु। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि, अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि नामों से कहा जाता है, पुकारा जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पर। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। अग्नि परीक्षा के बाद सीता किस धर्म में, जैन धर्म में। तो बताना चाहूँगा अभी ऊपर जिसकी बात आपने किया पौमचर्यु स्वयंभूकृत किसकी रचना है, हमने अभी ऊपर बताया, फिर भी आपको एक इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। स्वयंभूकृत चरित काव्य है यह, कितने कांड, पांच कांडों में विभक्त है। कभी कभी पांच कांडों के नाम जो पूछे जाते हैं आपको लिख लीजिए, पांचों कांड आपसे पूछा जाए तो आप लिखिए विद्याधर कांड और उसके बाद आता है आपका अयोध्या कांड के बाद बात आती है इसमें सुंदर कांड के बाद बात आती है युद्ध कांड के बाद जाती है इसमें उत्तर कांड। तो देखिए पौमचर्यु का जो रामायण है एक तरीके से कहा जाए तो इसमें पांच कांड हैं। स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन इस प्रकार
किया है कि नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था। यह काव्य में वर्णित अग्नि परीक्षा वाले प्रसंग से स्पष्ट हो जाता है। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपने सतीत्व की पताका फहराऊंगी, आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा जन्म शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। किस धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। वैसे आपको ये कहानी पता ही होगा, बाबा गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को भी अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा तो वहाँ से भी पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन कह रहा था क्या, उस पर चर्चा करिए, अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं, यह किस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है? पौंचरित्र में कुल कितने कांड हैं? तो पौंचरित्र में कुल 5 कांड हैं। कौन कौन से 5 कांड? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौंचरित्र जो है इससे जो है आपसे जैसे कहे कि इसमें कुल कितने सर्ग हैं, सर्ग का मतलब क्या होता है? संधियां होती हैं। अभी अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में ही आपको बताया कि इसमें 83 संधियां, यानी 83 संधियों यानी सर्गों वाला विशाल महाकाव्य है। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रचना थी। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 के बाद, क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? लौकिक चरित महाकाव्य की बात हो रही है। लोकप्रिय व्यक्तियों के चरित पर आधारित काव्यों के अतिरिक्त कई ऐसे चरित काव्य भी रचे गए जिनमें कथानायक या तो काल्पनिक होता था अथवा किसी लोक कथा से लिया जाता था। इस श्रेणी में धनपाल द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित भैया? धनपाल द्वारा रचित भवि सयत्त कहा का नाम उल्लेखनीय है। यानी कौन सा ये है? भवि सयत्त कहा। इसके किसके द्वारा रचित है आपसे पूछा जाए तो ये भी नोट कर लीजिए, धनपाल द्वारा रचित। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित महाकाव्य कौन सा है? भवि सयत्त कहा है। किसके द्वारा रचित है? धनपाल के द्वारा रचित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद, क्वेश्चन नंबर 19 पर, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है महापुराण के रचनाकार कौन हैं? बताइए, आप लोग भी बताइए, महापुराण के रचनाकार कौन हैं? बिल्कुल, पुष्यदंत। देखिए यहां पर महापुराण की बात हो रही है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत, इनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का दूसरा कवि। एक क्वेश्चन तो यह हुआ आपसे, निकल लीजिए, अपभ्रंश का दूसरा कवि, अपभ्रंश का दूसरा कवि या अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्यदंत हैं। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। कौन कौन सी 3 रचनाएं हैं? एक तो आप पूछा ही है महापुराण, तो इन्हीं की रचना है। एक तो हो गई महापुराण, दूसरा हो गया आपका जय कुमार चरिव, और तीसरा है जसहर चरिव। महापुराण में अनेक घटनाएं और चरित्र हैं। इसमें कवि ने 63 महापुरुषों की, कितने, कभी कभी पूछा जाता है कि कितने महापुरुषों की, तो 63 यानी 63 महापुरुषों की जीवन घटनाओं का वर्णन किया है, या वर्णन के विषय में बहुत अच्छे तरीके से प्रसंग बस लिखा हुआ है, और जिसमें से राम कथा को भी स्थान मिला है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था महापुराण के रचनाकार कौन हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, पुष्यदंत। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 पर, क्वेश्चन नंबर 20वां आपके स्क्रीन पर। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं? क्वेश्चन कह रहा है आपसे,
खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन, यहाँ पर काव्य सृजन की बात हो रही है, तो काव्य सृजन करने वाले कवि में अमीर खुसरो जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? अमीर खुसरो है। इस भाषा का, इस नाम कहने का मतलब क्या होता है आपको बताना चाहूंगा। हिंदवी, सबसे पहले क्या, हिंदवी से उल्लेख सबसे पहले उन्हीं की रचनाओं में मिलता है। हालांकि वे फारसी के भी अपने समय के सबसे बड़े भारतीय कवि थे। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास उन्होंने ही किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो अमीर खुसरो की ही बात आती है। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये भी कभी कभी पूछी जाती हैं, तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है उनको लिख लीजिए। खालिक बारी और उसके बाद हो गया आपका पहेलियां, मुकरियां, बहुत ये मुकरियां तो कई बार पूछा है आपसे, मुकरियां, दो सुखने तथा गजल, ये सभी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब ऑप्शन ए, यानी अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन, यहाँ पर देखिए एक चीज पकड़िएगा, काव्य सृजन की बात करिएगा, नहीं तो आप कहाँ से उठा लाएंगे, आप जो है हिंदी गद्य साहित्य में चले जाएंगे। गद्य साहित्य अगर आपको याद होगा, पहले लेक्चर में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि खड़ी बोली में खड़ी शब्द, खड़ी बोली की पहली रचना नासिकोपाख्यान के बारे में बताया था, और उसी में हमने बताया था आपको कि खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वहाँ पर सदल मिश्र जी की बात आती है। और वो कहानी अगर आपको याद होगी फोर्ट विलियम कॉलेज में, जब दोनों लोग एक साथ चले जाते हैं, कौन कौन, सदल मिश्र और लल्लू लाल जी, तो उसी के कारण बच्चों को कन्फ्यूजन, वो वहाँ पर क्या है, गद्य की बात की जाती है, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या है, काव्य की, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर विद्वानों का जो मत होता है वो लल्लू लाल को होता है। किसको होता है? लल्लू लाल को। लेकिन यहाँ पर काव्य सृजन करने वाले के बारे में पूछा जा रहा है, इसलिए अमीर खुसरो होगा। बिल्कुल भी आप कन्फ्यूजन में मत पैदा करिएगा, अपने अंदर कन्फ्यूजन मत लाइएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, अमीर खुसरो की पहेलियों तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? इनकी जो पहेलियां और मुकरियां था, इनका मुख्य उद्देश्य था, वो कहना चाहते थे, वो सभी जो एक तरीके से देखा जाए मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, यानी लोगों को शिक्षा भी देना चाहते थे और मनोरंजन भी कराना चाहते थे। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, 21वें का ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? यहाँ पर शिलांकित कृति की बात आ रही है, ये हो जाएगा आपका राहुल वेल। शिलांकित कृति राहुल वेल है, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। तो आपसे पूछा जाता है किसकी है, तो आप लिख लीजिए चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राहुल नायिका के नख सिख वर्णन के प्रसंग में हुई। आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया है। इस कृति के रचयिता रोड़ा नामक कवि को माना जाता है। राहुल वेल से हिंदी में नख सिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिनमें राजस्थानी जो है प्रधान है, आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23, ऐसे हमारे विद्वान साथी जो 100% TGT और PGT में सेलेक्शंस चाहते हैं, TGT PGT में आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन चाहते हैं, खास तौर से जो है हिंदी विषय में, जो विषय मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं, तो आप देर ना करें मित्रों, अभी तो हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाकी तो हर एक पॉइंट को मैं आपको बहुत विधिवत पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, लाइव पढ़ाऊंगा, आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों के डाउट्स भी क्लियर करूंगा। तो आपको नंबर संस्थान का दिख ही रहा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 94-15-800-659
इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके स्पेशल हिंदी के लिए TGT PGT का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे प्रयागराज की सबसे बेस्ट फैकल्टी और फैसिलिटी दोनों आपके साथ है, इसलिए आइए क्वेश्चन पर वर्णन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हैं? अब देखिए इसमें कह रहा कि कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है, तो आपको पता होगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण के रूप में प्रतिष्ठित है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तिका की रचना की थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी रचना किसने किया था, तो महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित कौन थे? दामोदर शर्मा। एक एक पॉइंट लिखते चलिए। दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। इनके अलावा भी अगर एक पॉइंट दो पॉइंट जो महत्वपूर्ण है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई, उसके बारे में भी पूछा जाए तो आप बता लेंगे कौन कौन सी मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये आपको दिख रहा है ना, वर्ण रत्नाकर कैसी है, तो ये मैथिली हिंदी में रचित है गद्य की पुस्तक वर्ण रत्नाकर। कभी कभी नाम पूछा जाएगा तो भैया लिख लो, चाहे तो डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई, तो ये पूछा जाता है। वर्ण रत्नाकर भी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता ही चल गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? देखिए आदिकाल की भाषा के बारे में बात की जा रही है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि काव्य रचना की दो अन्य महत्वपूर्ण शैलियों का भी आदिकाल में विकास हुआ था, जिन्हें कुछ विद्वानों ने भाषा के नाम से ही अभिहित कर एक भ्रम पैदा कर दिया। ये शैलियाँ जो थी, अगर मुख्यतः देखा जाए तो कौन कौन सी शैली थी, डिंगल तथा पिंगल ये शैली है। आदिकालीन हिंदी साहित्य में वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। किसमें? वीर रस की संज्ञाओं में जो है डिंगल का प्रयोग हुआ है, या डिंगल का प्रयोग होता था, तथा कोमल भावों की अभिव्यंजना जो होती थी, जब वहाँ कहीं पर कोमल भाव व्यक्त किए जाते थे तो कोमल भाव में पिंगल शैली का प्रयोग किया जाता था। जब कभी डिंगल शैली का प्रयोग करता था तो वह हिंदी बोलियों के कर्कश शब्दों को अपनाता था, किंतु पिंगल शैली के प्रयोग में धीरे धीरे कोमल शब्दावलियों का विकास होता जाता था। डिंगल की कर्कश शब्दावली सीमित थी, अतः इस शैली का साहित्य अधिक विस्तार ना हो सका। पिंगल शैली जो है, ये जो पिंगल है क्योंकि लोकप्रिय होती चली गई, भाई प्यारी लगती थी, कोमल थी, कोमल चीज़ जो होती है सबको प्यारी लगती है, मीठी चीज़ सबको अच्छी लगती है, और उसका ब्रजभाषा में विगलन हो गया। जो लोग डिंगल को राजस्थानी भाषा का पर्याय मानते हैं वे भूल करते हैं, वस्तुतः राजस्थान के आदिकालीन साहित्य की भाषा हिंदी की ये दोनों ही शैलियाँ चारणों भाटों द्वारा प्रयुक्त होती थी, तथा भक्त काल और रीति काल में भी उनके प्रयोग की वह क्षीण परंपरा चलती रही। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी। कैसी भाषा थी? ब्रज भाषा थी। खड़ी बोली आधुनिक काल की तथा अवधि मध्यकाल की भाषा है। यहाँ पर खड़ी बोली जो कह रहा है, तो खड़ी बोली किस काल की है, तो ये आधुनिक काल। खड़ी बोली आधुनिक काल तथा अवधि जो दे रहा है ये क्या हो जाएगा, ये मध्यकाल की भाषा थी। कौन सी भाषा थी? मध्यकाल। बाकी डिंगल और पिंगल के बारे में मैंने बहुत अच्छे से चर्चा कर दिया। तो चार तरीके से प्रश्न बनते हैं, इससे चारों तरीके से अगर आपसे प्रश्न बने तो आप आराम से इसका आंसर कर लेंगे। नंबर 25 बहुत ही प्यारा प्रश्न है,
चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो बताना चाहूंगा मेरे मित्र डॉक्टर, नोट करते चलिए आप हमारे साथ में, डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन एवं राम कुमार वर्मा, एवं राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को, कौन से हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है उसी का नाम दिया था, कौन सा? चारण काल नाम दिया, जैसा कि हमने पहले ही प्रश्न में इस पर चर्चा किया था। इस काल में राजा श्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जानी जाती थी। कौन से इस नाम से जानती थी? जानी जाती थी रासों के नाम से जानी जाती थी, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल भी कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है जो कि रासो साहित्य का, किसके, जो रासो साहित्य के नाम से भी जानी जाती है। इनमें प्रमुख अगर बात करें जैसे विजय पाल रासो, नलसिंह कृत, हमीर रासो, सारंगरधर कृत, कुमार रासो, दलपत विजय कृत, बीसल देव रासो, नरपत नाल कृत, पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई कृत, परमाल रासो, जगनी कृत है जिनका वर्णन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। बीसल देव रासो में शैली का प्रयोग किया गया, यानी बीसल देव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है ये आपसे जानना चाहता है कि बीसल देव रासो में, यहाँ आप चाहे लिख लीजिए, किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो देखिए बीसल देव रासो जो है मूलतः गेय काव्य है। कैसा है? मूलतः गेय काव्य है, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? नरपतिनाल के द्वारा। नरपतिनाल कब? 1155 ईस्वी में की गई थी। बीसल देव रासो आदिकाल की एक श्रेष्ठ कृति है। बीसल देव रासो की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं हो जाता है। विद्यापति से होती हुई यह परंपरा भक्ति काल में प्रेमाख्यानायक काव्यों तक पहुंचती है। कृष्ण भक्तों को भी प्रभावित किया और रीति काल में जाकर इसका सरस श्रृंगार काव्य के रूप में चरम विकास हुआ। बीसल देव रासो में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। कौन सा? 12 मासा वर्णन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में पर। क्वेश्चन नंबर 27, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? तो देखिए अगर आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो बीसल देव रासो में राजा भोज, मैंने अभी कहानी बताई ना, राजा भोज परमार की पुत्री राजमती, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राजमती किसकी पुत्री है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, तो राजमती किसकी पुत्री है? परमार की पुत्री राजमती। और अजमेर के चौहान कौन है भैया? अजमेर के चौहान बीसल देव तृतीय। यहाँ तो बीसल देव लिखा है तो ये बीसल देव तृतीय का विवाह, विवाह का मतलब आप समझते हैं शादी, वियोग का मतलब मिलना एक तरीके से, मतलब बिछोड़ना, पुनर्मिलन का मतलब फिर से मिलना की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। पहले तो ये जान जाइए कैसी शैली है, सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसल देव, जो कि मूलतः कहा जाता है उड़ीसा, अब उड़ीसा चला गया था। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा था कि बीसल देव कहाँ गया था, तो कहाँ गया था भैया? उड़ीसा में कहाँ गया था। जैसे आपने देखा यहाँ पर किसकी बात आ रही है, तो फिर से समझ लीजिए बीसल देव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा का सरस शैली में वर्णन हुआ है।
पहले शादी होती है, शादी होने के बाद जो है बीसल देव जो था इनका जो था वो थोड़ा सा स्वाभिमानी प्रकृति का था, वो भटक जाता है, छोड़ के चला जाता है। उसके बाद 12 साल वो वेदना सहती है, घरों में अपने आप को कोसती है और फिर में जाके अंत में मिलन हो जाता है, इसीलिए उसको पुनर्मिलन की संज्ञा दी गई। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। ऐसे समझ लीजिए जैसे आप मान लीजिए आप प्रेमी हैं और आपकी प्रेमिका है, ठीक है, आप दोनों मिले और पहले आपने सोचा कि हम शादी कर लें, शादी ना आपने किया ना आपने किया, ठीक है, बाद में किसी मोड़ पर फिर मिल गए, झगड़ा हुई किसी बात पे, टकराव हो गई, फिर मिले, फिर मन में आया यार एक बार शादी कर लें। तो ये एक बार पहले मिलना फिर उसके बाद ना मिलना फिर मिल जाना, ये क्या है आपका? तो उसी तरीके से समझ जाइए राजमती से रूठकर बिस्सल देव कहाँ गया था? उड़ीसा, यानी आधुनिक उड़ीसा में। आशा करता हूँ कि प्रश्न समझ में भी आ गया होगा, स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही प्यारा प्रश्न है, कह रहा है कि किस राथो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस रासो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है? तो बताना चाहूंगा, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, जगनिक का परमाल रासो। बिल्कुल, जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा कहाँ है? महोबा भैया उत्तर प्रदेश का बहुत छोटा सा जिला है, उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलखंड का प्रकाशन कराया था वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। तो आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है, 12 बरिस लई कुकुर जिए। बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 12 बरिस लय कुकुर जिए औ 13 लय जिए सियार। बरिस 18 छत्री जिए, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, किस विधा की रचना है यह आपको बताना है। बताना चाहूंगा मित्र, ये जो पंक्ति आपको दिख रही है जगनिक के द्वारा रचित, किसके द्वारा रचित? जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो किससे ली गई है? परमाल रासो से ली गई है। इसमें आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। किसका? आल्हा और उदल दोनों का। तो इसमें ऑप्शन में देखिए क्या क्या, सोहर, कजली, बिरहा, आल्हा। फिर आगे मैं थोड़ा सा वर्णन कर दूं तो फिर बताना चाहूंगा मित्रों। इसमें मैंने बताया कि वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में ना होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई। यह आल्हा विधा है जिसको हम आल्हा के नाम से जानते हैं। पहले बहुत आल्हा गाई जाती थी, अब तो बहुत कम होती है, लेकिन पहले आल्हा गाई जाती थी। तो फिर से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, 12 बरिस ले कुकुर जिए औ 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। जैसे गाते हैं ना ऐसे ही इसी में गाते हैं, मर्द का नाश भवा वही दिन जब भित्तर से मेहरारू डांटा, हमारे हमारे गर्ग जहारे, दुनिया भर की चीजें करते ना। तो ये क्या है आपकी? आल्हा के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 29 के बाद, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? देखिए वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध का बहुत बहुत बार यह प्रश्न पूछा, कई सारी परीक्षाओं में पूछ लिया। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य जो है वो है पृथ्वीराज रासो है।
जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य और इसके रचयिता चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो पहले तो ये जानो पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद बरदाई की, चंद बरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। और इनको प्रथम कवि, इनको क्या माना है, प्रथम कवि, किसने प्रथम कवि माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको क्या माना है, प्रथम कवि। और इनकी जो ये रचना पृथ्वीराज रासो है इसको क्या माना है, प्रथम महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य। तो दोनों तरीके से यह प्रश्न पूछा जाएगा, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, प्रथम कवि रामचंद्र शुक्ल, किसके अनुसार आचार्य रामचंद्र, प्रथम कवि जो है चंद बरदाई, किसके अनुसार रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब देखिए इनके इससे क्या क्या प्रश्न निकलते हैं, अक्सर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्रसिद्ध हैं, तो पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन जो है किससे हुआ है, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको नोट करिए, नागरी प्रचारिणी सभा। कौन सा नागरी प्रचारिणी सभा, कहाँ से हुआ था यह, काशी से, नागरी प्रचारिणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया। इस संस्करण में 69 समय, यहाँ लिखने का मतलब 69 खंड तथा 16306 छंद हैं। प्रथम खंड में जो है क्या है, 69 खंड और 16306 छंद हैं, समझ में आया। अच्छा, प्रथम रूप में, और द्वितीय रूप में जब बात करते हैं तो द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो जो है उसमें 7000 छंदों का काव्य, कितना 7000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई। तीसरा लघु संस्करण जो है, थर्ड लघु संस्करण की अगर बात करें तो जिसमें 3500 छंदों का, कितने 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय का मतलब 19 खंड हैं। इसमें पूछा जाएगा कितने खंड हैं, तो 19 खंड हैं सबसे लास्ट वाले में। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। और इसके बाद बात आती है चौथे की, तो चौथा खंड जो है फोर्थ संस्करण का सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से खंड में कितने छंद हैं, तो चौथे संस्करण में मात्र 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं, किसको मानते हैं, यही जो फोर्थ है, फोर्थ जो रचना है इसी को लोगों ने ज़्यादा तक जो है, लोगों ने जो चौथा संस्करण सबसे छोटा है जिसमें केवल 1300 छंद हैं, इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वानों ने मूल रासो मानते हैं। क्या मानते हैं, मूल रासो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किया है। तो आपसे अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस नाम से दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सुख सुखी संवाद के रूप में रचित किया, ये भी पूछा जाए। चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, तो आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे, तथा जो कहा जाता है खड़ भाषा, सड़ भाषा जो होती है ना, खड़ भाषा व्याकरण
काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत भी थे, यानी बहुत ज्ञान था। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है, पृथ्वीराज रासो है। समझ में आया कि नहीं? यही क्वेश्चन अगर आपको घुमा के कहे कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है, तो पृथ्वीराज रासो जिनकी रचना है उनका नाम क्या है, चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई को जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना। यही प्रश्न अगर घुमा के कहे कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन हैं, तब वहां पर बात आ जाती है रामचंद्र शुक्ल की बात आएगी। किसकी बात आएगी, रामचंद्र शुक्ल की ही बात आएगी। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता पूछे तो चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। तो बहुत सारे तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन कहे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, तो चाहे तो आप लिख लो महाराज पृथ्वीराज चौहान। कौन भैया? महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है पूछे तो चंद्रबरदाई की रचना है। तो बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बता लेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को घुमा के अगर आपसे कहा जाए हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है, तब भी वहां पर आती है बात पृथ्वीराज रासो की ही, जो कि चंद्रबरदाई कृत है। तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, आशा करता हूं कि समझ में भी आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर, क्वेश्चन नंबर 31वें पर आपके सामने। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, बताइए। पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता, ये दिख रहा है ना, संयोगिता। किस कहां के राजा? कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री, किसकी पुत्री थी? जयचंद की पुत्री थी। संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद सहन ना कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली लेकर चले गए। भाई, जब आपने पत्थर को मान लिया तो उन्होंने सच में ऐसा करने के लिए कर दिया, इसीलिए उनके प्रति क्या थी, अनुरक्त थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था, तो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। संयोगिता थी कौन? कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 31 के बाद। क्वेश्चन नंबर 32वां आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर, जो कि अब कहाँ लगाता है, दिल्ली में, तो हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल, कौन भैया? राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? इसके साथ, अनंगपाल के साथ युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर, ये आपको दिख रहे हैं, अजमेर के राजा सोमेश्वर। अजमेर के राजा ये जो सोमेश्वर थे, ये पृथ्वीराज चौहान के पिता थे। यही क्या थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता। पृथ्वीराज चौहान के पिता ने राजा अनंगपाल की सहायता की। किसकी सहायता की? इनकी सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री, किस इनकी पुत्री का क्या नाम था, कभी कभी पूछ लेता है, इंद्रावती, इनकी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से, किससे? राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था, तो ये भी पूछा जाता है इनका एक नाम क्या था, कमला भी था। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पूछ रहा था पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है, तो पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर जी हैं। ठीक है, सोमेश्वर, मैंने आपको बताया कि पृथ्वीराज रासो परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर। ये कहाँ के राजा थे? दिल्ली के ना, यानी हस्तिनापुर पहले दिल्ली में ही अब लगाता है। तो तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ,
अजमेर के राजा सोमेश्वर, ये कहाँ के राजा थे? अजमेर के थे। अजमेर के राजा सोमेश्वर, सोमेश्वर कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान के पिता ने राजा अनंग पाल की सहायता की। क्या किया? सहायता की। तब अनंग पाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती, अपनी इनकी पुत्री का नाम क्या था मैंने लिख भी दिया था, फिर से लिख देता हूँ, इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती को ही कमला के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जरा आप ये समझो कि पिता कौन हुए? सोमेश्वर। तो सोमेश्वर की पत्नी इंद्रावती क्या हुई? माता। तो आपसे कल को पूछे माँ का नाम कि बताइए चंद्रबरदाई के माँ का नाम, तो यहाँ से आप माँ का नाम भी बता लेंगे। इसके लिए आपको अलग से प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं बनेगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर है। सूची एक तथा सूची दो को मिलाना, एक तरफ सूची एक दूसरी तरफ सूची दो दिया हुआ है। यहाँ पर रचना है और उनके रचनाकार कौन है इसको आपको बताना है। बीसल देव रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है? अभी बताया है नरपत नाल की। तो आपका ए में कौन सा सही हो जाएगा? दो, ए में दो यहां पर है और किसी में नहीं है, यानी ऑप्शन तो बी हो ही गया। फिर भी आप चेक करते हैं, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। अब उसके बाद इसमें हो गया चार। परमाल रासो किसकी रचना है? जगनिक की, ये हो गया एक। उसके बाद खुमार रासो की रचनाकार कौन है भैया? दलपत विजय, यानी हो गया तीन। बहुत आराम से आहिस्ते आहिस्ते इसी तरीके से आप निकालते चलेंगे। यह KGT परीक्षा 2005 में आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी को अलग अलग करके पूछता कि बताओ खुमार रासो का रचयिता कौन है? तो आप बताते खुमार रासो का रचयिता कौन है भैया? दलपति विजय। खुमार रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। अच्छा, एक प्रश्न ये पूछा जाता है, आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। तो जो आदिकालीन हिंदी काव्यधारा थी उसमें सिख साहित्य नहीं सम्मिलित है, इस पर किसी बच्चे ने कमेंट किया था। मैं इसको किसी दिन बहुत विस्तृत बताऊंगा, आप घबराना नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा, अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में आदिकाल की जब समय सीमा बताई रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, तो वहां पर हमने बहुत विस्तृत बताया था विक्रम संवत 1050 से विक्रम संवत 1375 तक की जो समय सीमा थी इसको आदिकाल के नाम से जाना जाता है। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। स्टार्टिंग में ही आपको मैंने शुरू में ही बता दिया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो वर्गीकरण है, ये जो 900 साल हिंदी के हैं, 900 साल जो हिंदी के हैं, इनको चार वर्गीकरण किया है। पहला नाम दिया जो है आदिकाल, आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी गई। इसकी जो समय सीमा थी 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1350 तक थी। आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो था ये विक्रम संवत, यानी ये आपका जो है 1375 से 1700 तक का जो समय था, ये कौन सी काल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद उत्तर मध्यकाल आया जिसको रीतिकाल के नाम से जानते हैं। रीतिकाल जो थी उसकी समय सीमा 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी तक थी। आधुनिक काल गद्यकाल जो चल रहा है यानी 1900 से लेकर के 1984 ईस्वी रही। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बता लेंगे, तीनों में से कुछ भी पूछे आप बता लेंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से पहले ही इस पर डिस्कशन कर लिया है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा आप इसी तरीके से जब हिंदी को, अभी तो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं पूरी एक एक जब पढ़ा दूंगा दोस्तों कुछ प्रश्न बनेगा ही नहीं, एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा कहां से, आपको याद होगा कैसे? नहीं याद हो जाएगा, आप मजबूर हो जाएंगी, आपको बिना कहे सुने आपको कंठस्थ हो जाएगा। आप देखते तो चलिए, आप देखते तो चलिए। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो विद्यापति ने कुल 14 ग्रंथों की रचना की थी। विद्यापति की अधिकांश रचनाएं संस्कृत एवं अवहट्ट में हैं। कीर्तिलता और कीर्ति पताका इनकी अवहट्ट रचनाएं हैं। इनकी तीसरी रचना पदावली है जिसकी भाषा ब्रजभाषा मिश्रित मैथिली है। इसमें कीर्ति पताका अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो कभी कभी पूछी जाती है कि विद्यापति की वह कौन सी रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है, तो उसका नाम है
कीर्ति पताका। कीर्ति पताका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। कीर्ति लता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। इसकी भाषा अवहट्ट है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। क्या कहा है? आपसे क्वेश्चन पूछे कि विद्यापति ने इसे क्या कहा है, तो विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। पदावली विद्यापति के यश का आधार है। इसकी अन्य रचनाओं में जैसे नाम आता है भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्वा भक्ति तरंगणी, विभाग सार, वर्ष कृत्य और गया पतन। गया पतन गोरक्ष विजय इनका प्रसिद्ध नाटक है। इस प्रकार इनके कुल ग्रंथों की संख्या जो है वो कितनी है, 14 है। 14 नाम आप लिख सकते हैं। आपको जो PDF मिलेंगे वहां पर सब कुछ आपको उल्लेखित मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पर। क्वेश्चन नंबर 36, विद्यापति इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए। किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए, किसकी बात कर रहा है, विद्यापति की। तो आपको बताना चाहूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि जिसकी रचना के कारण विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए वह उनकी पदावली है। कौन सी रचना है, उनकी पदावली है। इन्होंने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनमें नायिका और नायक राधा कृष्ण का वर्णन बहुत अच्छे से मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है। कौन सा नाम है जो नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, तो बताना चाहूंगा इसका सही जवाब होगा आपका कंडप्पा, ऑप्शन सी। दोस्तों चाहे तो आप नोट कर लीजिए, मैं लिख देता हूं कंडप्पा, कंडप्पा, सबरपा, सबरपा मतलब होता है ये, इसको लिख देता हूं सरहपा, सरहपा। उसके बाद बात आती है लुईपा, लुईपा, डोम्भिपा, कुकुरिया आदि सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ साहित्य के विकास में ये सभी किसके हैं, ये सभी जो है आपके सिद्ध साहित्य के कवि हैं। अक्सर जो आपकी परीक्षा होती है उसमें यही आपको कवि ज्यादातर दिए जाते हैं। तो ये सभी क्या हैं, सिद्ध साहित्य के कवि हैं। नाथ अब पूछ क्या रहा है, नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, नाथपंथी पूछ रहा है। तो नाथ साहित्य के विकास में जिन कवियों ने योगदान दिया उनमें चौरंगीनाथ के विकास, चौरंगीनाथ का नाम भी आता है, गोपीचंद, चुड़कर्नाथ, चुड़कर्नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध लोगों का नाम आता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडप्पा जो है, कंडप्पा, सबरपा, सरहपा, यानी इन्हीं को सरहपा कहा जाता है, लुईपा, डोम्भिपा, कुकुरिया ये सभी सिद्ध सामंत के कवि हैं। जबकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे, नाथपंथी की बात करें, ये सिद्धपंथी हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दीजिए, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है। कभी कभी वैसे आपको संख्या भी याद रहे तो बहुत अच्छी चीज होती है। देखिए नाथों की संख्या कितनी मानी गई है, नाथों पे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं, तो बताना चाहूंगा इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी 9। नाथ पंथ के प्रणेता कौन माने जाते हैं, तो पहले तो आप नोट करते चलिए, ये पॉइंट नोट करिए क्योंकि इससे प्रश्न बनता है। इसके प्रणेता हैं आदिनाथ, प्रणेता आपसे पूछेगा तो प्रणेता आदिनाथ थे। यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ संप्रदाय के संस्थापक आदिनाथ को भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि आदिनाथ को किसका अवतार माना जाता है, तो भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। इस संप्रदाय में नौ नाथ, कौन नौ नाथ हैं उनका नाम आपको याद होना चाहिए, वैसे
गोरखनाथ, पहला हो गया गोरखनाथ। गोरखनाथ के बाद आता है आपका ज्वालेंद्रनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, ज्वालेंद्रनाथ के बाद आता है कारिणनाथ, कारिणनाथ, कारिणनाथ के बाद बात आती है गहनीनाथ, गहनीनाथ, गहनीनाथ के बाद बात आती है चरपटनाथ। कौन से नाथ है भैया? ये चरपटनाथ है। चरपटनाथ के बाद बात आती है रेवण, रेवणनाथ, रेवणनाथ। छः हो गया। फिर उसके बाद सातवां है नागनाथ, नागनाथ, नागनाथ। और उसके बाद आठवां लिख लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, यह पूछा है कई बार, भारतीनाथ। और उसके बाद नौवां और अंतिम जो है वो है गोपी चंद्र नाथ, गोपी चंद्र नाथ को माना जाता है। तो आपसे जैसा भी प्रश्न पूछे आप बता लेंगे। देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन करना चाहूँगा, एक दो बार ये क्वेश्चन आपको फंसा देता है। जैसे आपसे कहा जाता है कि नाथ पंथ के प्रवर्तक की बात करें, यहाँ पर ये तो हमने आपको बताया कि नाथों की संख्या कितनी है, नौ है, बिल्कुल। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है, यूपी पीजीटी परीक्षा 2018 में आया, बच्चे कंफ्यूजन में चले गए, उसमें दो दो ऑप्शन मिल रहा था, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। तो मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा कर देता हूं। जब बात करेगा नाथ पंथ के प्रवर्तक की, किसकी बात करेगा, प्रवर्तक की, थोड़ा सा एक मिनट में लूंगा मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्रनाथ, कौन भैया? मत्स्येंद्रनाथ तथा, मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ, गोरखनाथ दोनों हैं। ये देखो ये दोनों हैं, मैं कारण बता रहा हूं, सुनिएगा। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में स्पष्ट कथन है कि इस पंथ यानी नाथ पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ कहने का मतलब है मच्छंदरनाथ, कहीं कहीं पर उल्लेख होता है मच्छंदरनाथ, तथा गोरखनाथ माने गए हैं। इसी पुस्तिका में गोरखनाथ का परिचय देते हुए बताया गया है, गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। अब इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। क्या थे? मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे, यानी ये क्या हैं? ये गुरु थे, मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु थे। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन सब का उनके नाथ पंथ में विलय हो गया। क्या हो गया? विलय हो गया। अब ये गुरु और शिष्य वाली बात आ जाती है। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में कोई एक दिया होता मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ, क्वेश्चन पूछा जाता कि बताइए नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, और अगर आपको ऑप्शन गोरखनाथ अकेले होता तो गोरखनाथ मार देते, अगर ऑप्शन में मत्स्येंद्रनाथ अकेले होता तो मत्स्येंद्रनाथ मार देंगे, लेकिन यदि दोनों होगा तो उस स्थिति में ए एवं बी ऑप्शन में दिया जाएगा, या तो ऐसा नहीं होगा तो किसी एक को ही मानिएगा, लेकिन बोर्ड जो होगा आपको पूरा नंबर देगा। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम बताइए, तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, नाथ संप्रदाय में हठ योग की चर्चा होती है, किसकी चर्चा होती है? हठ योग। तो इसमें बताना चाहूंगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हठ योग का क्या अर्थ है। तो देखिए हठ योग में अगर आप देखेंगे हा, हा का अर्थ होता है सूर्य, हा का अर्थ क्या होता है? सूर्य। और ठा का अर्थ होता है चंद्र, सूर्य और चंद्र, यानी दोनों का योग, हठ योग, हठ भी है और योग भी है, यानी सूर्य और चंद्रमा का योग जो होता है। मींस कहने का क्या है कि गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में पर। क्वेश्चन नंबर
आपके बीच में 1939 क्वेश्चन नंबर 39। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधा। देखिए फ्रेंड्स, सिद्ध कवियों के द्वारा प्रयुक्त भाषा को संधा, यही आप देखेंगे कहीं कहीं पर संधा ना दे करके ऐसे दिया होता है सांध्या, इस तरीके से लिखा होता है, तो ये भी कहा जाता है। इन्होंने संधा भाषा शैली में रचनाएं की। संधा भाषा वस्तुतः अगर देखा जाए, पूछा जाता है अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। इस भाषा शैली का उपयोग नाथों ने भी किया था। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो गया। आइए इस सेशन के अंतिम प्रश्न पर बढ़ते हैं। आज के इस सेशन आदिकाल का अंतिम प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य पूरक तत्व था, सिद्धों की साधना में शून्य पूरक तत्व था, क्या था? वज्र अग्नि चित्र ज्ञान। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, तांत्रिक सिद्धों का मूलाधार लोका यतिक एवं भौतिकवादी था, किंतु सामंतीय व्यवस्था की सत्ताधारी विचारधारा ने उनको भी अपनी कालाग्नि में लपेट लिया और वे भी पंच महाभूतों को समस्त भव संसार का बीज मानने एवं काया से मन की उत्पत्ति मानने की बजाय चित्त को ही भाव तथा निर्वाण का बीज मानकर चिंत कारणवादी बन बैठे। इंद्रियों तथा उनके विषयों को तो उन्होंने पंचभूतों पर आश्रित रखा, लेकिन छठी इंद्रिय अर्थात मन के केंद्र से भी उलटकर अर्ध आध्यात्मवादी और दिग्भ्रमित लोकायतवादी हो गए। इस प्रतिस्थापन का सूक्ष्म केंद्र मन हुआ। मन जो था ये आदि रूप में निर्मल तथा सहज स्वभाव वाला हुआ। यह संकल्प निषेधित चित्त है, यही प्रज्ञा एवं उपाय के समागम से समन्वित होकर बोध चित्त है, जिसमें शून्यता एवं करुणा की अद्वैतता है। इसी चित्त को प्राण द्वारा, किसके द्वारा? इसी चित्त को प्राण द्वारा कमल में आसीन किया जाता है, तब यह वज्र रूप होता है। किसका रूप होता है? वज्र रूप होता है। राग ही वज्र है, राग ही को क्या कह दिया? राग ही वज्र है, उपाय है और मुद्रा के आगे महामुद्रा साधना का पूरक है। अतः करुणा भूषित राग ही महामुद्रा से समागम करने पर महाराग होता है, जो मोक्ष का हेतु है। यह करुणा भूषित राग अर्थात महाराग शून्यता से समागम करने की प्रवृत्ति के कारण वज्र राग है। अतः स्पष्ट है कि सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या हो जाएगा? वज्र हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से जब स्टोरी के माध्यम से समझाएंगे तब जाके आपको और अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो पाएगा। आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अभी भी ऐसे हमारे विद्वान साथी जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आपको वही नंबर फिर से बताना चाहूँगा, 9415-800-659 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। और यदि आपको कॉल करना हो तो आप संस्थान के नंबर 8953-80-59 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मैसेज करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अब आगे बात करेंगे आदिकाल के बाद भक्ति काल से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट लक ऑल ऑफ यू।